नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से आज की बात में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का विषय हमारा है अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि आलोचना और सवाल उठाने के लिए आजादी पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फॉर्म होना चाहिए। कानूनी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर किसी की गरिमा को, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े मामले को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट की शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में इसे हटाना होगा। वही देश की सुरक्षा जैसे मामलों से जुड़ी जानकारी शेयर करने पर फर्स्ट ओरिजिन भी बताना होगा। वही सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल न्यूज पोर्टल के बारे में भी कहा कि उन्हें खुद की नियंत्रित करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। जिस तरह से फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसी ही व्यवस्था ओटीटी के लिए हो। इस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से होना चाहिए। सोशल मीडिया की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल बनाम गलत के इस्तेमाल को लेकर लंबे वक्त से डिबेट चल रही थी। इस मामले में अहम मोड़ किसान आंदोलन के वक्त से आया है। 26 जनवरी को जब लाल किले पर हिंसा हुई तो सरकार ने सोशल मीडिया को कंपनी पर सख्ती बरती। सरकार ने कहा कि अगर अमेरिका और कैपिटल हिल पर अटैक होता है तो सोशल मीडिया की कार्रवाई को समर्थन करता है। अगर भारत में लाल किले पर हमला होता है तो आप डबल स्टैंड अपनाते हैं, ये हमें साफ तौर पर मंजूरी नहीं है। इस मामले की शुरुआत 11 दिसंबर 2018 से हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंगरेप जैसे जुड़े कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए जरूरी गाइडलाइन बनाए। सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को ड्राफ्ट तैयार किया। इस पर 177 कमेंट्स आए। बहरहाल, हम कह सकते हैं कि आखिरकार सरकार ने भारतवासियों की बात सुन ली है। सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, हालांकि में ये उतने सख्त कदम नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने विदेशी कंपनियों को साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर भारत में रहना है या फिर मलाई खानी है तो आप कानून का पालन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइडर भी बहुत मनमानी कर रहे थे, सरकार को ललकार रहे थे कि हम नहीं करते कानून का पालन, आप क्या कर लेंगे। अब यह सरकार ने एक ही झाड़ू फेर कर तमाम सर्विस प्रोवाइडर को, ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने शिकंजे में ले लिया है, कानूनी और धाराओं में इन्हें कवर कर लिया है। डिजिटल मीडिया के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिलने जा रहा है जिनकी सोशल मीडिया या फिर हजार के खिलाफ शिकायत अब तक नहीं सुनी जाती थी। सबसे ज्यादा नकेल बड़ी सोशल मीडिया कंपनी पर कसी गई है। उन्हें गाइडलाइन पर अमल के लिए 3 महीने का वक्त मिला है। हालांकि सरकार इस सवाल का जवाब टाल गई कि गंभीर आपत्तिजनक कंटेंट के मामलों में जेल कैसे होगी। यूजर या सोशल मीडिया को किसी भी लोकतांत्रिक समाज और देश की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वहां पर वैचारिक सहमति और असहमति को अभिव्यक्ति करने की आजादी एक अधिकार के रूप में स्वीकार हो। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अभिव्यक्ति की निर्बाध आजादी का इस्तेमाल कुछ लोग इस तरह करने लगते हैं जैसे कि भावनाओं के भड़कने और यहां तक कि अराजकता फैलाने का आशंका खड़ी हो जाती है। खास तौर पर जब से सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों का विस्तार हुआ है, उस पर अपनी राय जाहिर करने की सुविधा तक बहुत सारे लोगों की पहुंच बनी है। तब से एक बड़ी आबादी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक नया आकाश जरूर मिला है, लेकिन इसके वर्कर्स ऐसे तमाम लोग भी हैं जो इन मंचों का इस्तेमाल अपने कुष्ठित मंशा को पूरा करने के लिए करने लगे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया से आप लोगों को रहना होगा सावधान, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी कमेंट, ट्वीट, रीट्वीट या फिर वीडियो शेयर ना करें जिससे आपका भविष्य अंधकार में जाता हो, क्योंकि सरकार ने ये हथकंडे जो अपनाए हैं ये अपने फायदे के लिए हैं या फिर समाज के फायदे के लिए हैं, यह समय बताएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ नव समाचार बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।